फ्रेंड्स, अब आप लोग सभी एंटर कर चुके हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया की दुनिया में, जहां पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं लेटेस्ट ईवी से जुड़ी हुई सारी की सारी आपको लेटेस्ट अपडेट्स। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बता देता हूं टाटा की न्यू टिगोर ईवी 2021 में लॉन्च हो गई है। तो दोस्तों, आज की इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसके सारे ही वेरियंट्स और फीचर्स के बारे में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आप लोग चाहते हैं इस ईवी टाटा की नई टिगोर ईवी के बारे में सारी की सारी जानकारी। तो दोस्तों, आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या क्या फीचर्स आप लोगों को मिलने वाले हैं और क्या क्या नए वेरिएंट्स आप लोगों को टाटा की नई टिगोर ईवी में मिलने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये आप लोगों को तीन वेरिएंट्स में देखने के लिए मिलने वाली है, XM, XZ प्लस, XZ प्लस DT। सबसे पहले दोस्तों, XM वेरिएंट की बात करें तो ये एकदम बेस मॉडल का वेरिएंट है और ब्लैक हैंडल्स मिलेंगे, प्लास्टिक का व्हील कवर मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, ये आप लोगों को बेस मॉडल में बता रहा हूँ, तो इसमें एंटीनास भी सारे नॉर्मल है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ XZ प्लस वेरिएंट के बारे में, क्योंकि मिड रेंज वेरिएंट है, पर कि आप लोगों को एलॉय व्हील मिलेगा, साथ साथ आप लोगों को प्रोजेक्टर हेडलाइट्स भी मिलेगी। इसके साथ साथ दोस्तों, आप लोगों को इसमें डे टाइम रनिंग लाइट्स भी मिलने वाली हैं, क्रोम डोर हैंडल्स हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको इसमें शार्क फिन एंटीना भी मिलने वाला है। दोस्तों, अब तो आप लोगों को अच्छा खासा अंतर पता चल ही गया होगा XM वेरिएंट और XZ प्लस वेरिएंट में। दोस्तों, इसके टॉप मॉडल यानी कि XZ प्लस DT मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं। मतलब कि DT का मतलब है डुअल टोन। आप लोगों को दोस्तों, सबसे पहले तो स्टाइलिश ब्लैक रूफ मिलने वाली है। इसके साथ साथ दोस्तों, आप लोगों को इसमें वो सारे के सारे फीचर्स मिलने वाले हैं जो कि आप लोगों को XZ प्लस में मिले थे। मेरे पर्सनल राय मानी जाए तो ये काफी ज्यादा शानदार टिगोर की ईवी है, एकदम परफेक्ट सेडान गाड़ी है, काफी ज्यादा स्टाइलिश है। दोस्तों, इसके अंदर अगर हम बैटरी कैपेसिटी की बात करी जाए तो इसके अंदर है 26 किलोवाट की लिथियम बैटरी। पर दोस्तों, चार्जिंग की बात करी जाए, बैटरी की बात हो रही है तो चार्जिंग की बात करी जाए तो इसमें आपको 0 to 80% तक चार्ज करने में 1 घंटा लग जाएगा, वो भी फास्ट चार्जर से। दोस्तों, होम सेटअप की बात करी जाए, जैसे कि होम के किसी भी नॉर्मल चार्जर में चार्जर लगा के चार्ज करी जाए, कम से कम 15 एम्पलीफायर के चार्जर से अगर आप इसे चार्ज करेंगे तो इसे 100% चार्ज होने में 8.5 घंटे लग जाएंगे। दोस्तों, इसके पिकअप की बात करी जाए तो 0 to 60 किलोमीटर की रफ्तार ये पकड़ लेती है 5.6 सेकंड में, जो कि काफी ज्यादा काबिले तारीफ है। पर दोस्तों, आप लोगों को टच स्पीड 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है हारमन की तरफ से। 30+ करेंटेड कार फीचर्स हैं। आप लोगों के कंफर्ट के लिए इसमें स्मार्ट की, जिसके साथ साथ आप लोगों को पुश स्टार्ट बटन भी मिल जाता है। ड्राइवर सीट्स के लिए डुअल एयरबैग्स मिलने वाले हैं आप लोगों को। इसी के साथ साथ दोस्तों, बूट स्पेस की बात करी जाए तो इसमें आप लोगों को कम से कम 316 सेंटीमीटर का बूट स्पेस मिलने वाला है। तो इसकी रेंज की बात करिए तो एक बार फुल चार्ज होने के साथ साथ ये कम से कम आप लोगों को 250 किलोमीटर की रनिंग दे देगी, जो कि काफी ज्यादा शानदार मानी जा रही है। लेकिन दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर बताइएगा कि ये आप लोगों को कार कैसी लगने वाली है। टिगोर ईवी की रेंज और प्राइस असलियत में रिवील होने वाली है 31 अगस्त को। तो दोस्तों, वीडियो के लिए तैयार रहिएगा उस दिन, क्योंकि आप लोगों को सारी की सारी टिगोर ईवी की जानकारी उस वीडियो में मैं देने वाला हूं। वीडियो को दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे और टेक्निकल लवर्स के लिए मैं वीडियोस लाता रहूंगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। पीस आउट।